ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज हम बात करेंगे कि लव मैरिज आपको क्यों नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो वीडियो का टॉपिक आपने पढ़ लिया है, तो हम यहाँ पे दो कैटेगरी की बात करेंगे। पहली होती है कि पेरेंट्स राजी हैं, ठीक है, वो वाली मैरिज कि भाई पेरेंट्स राजी है, इसकी फैमिली भी राजी है, लड़के की भी लड़की की भी, तो लव मैरिज कर रहे हैं, तो वो तो उसके लिए नहीं है ये वीडियो, ठीक है। तो अगर आप वो कैंडिडेट हो तो ये बंद करो और अपना चिल करो, काम करो, ठीक है। अगर आप अदर देन ये हो तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू रखो, ठीक है। या फिर आपको लग रहा है कि आपने भी लव मैरिज करने की आप सोच रहे हो, ठीक है, होता है ना कि भी आपस में, तो ये वीडियो उनके लिए जो माँ बाप से छुप के प्यार व्यार करते हैं, अफेयर रखते हैं, ठीक है, उसके बाद वो शादी की प्लानिंग करते हैं और जो सब कुछ करते हैं, वो उसके लिए है ये वीडियो, ठीक है, तो उनकी आंखें खोलने के लिए। क्योंकि फिर बाद में ना बड़ी कमेंट आते हैं, बड़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को, खासकर लड़कियों को, ठीक है। तो ये वीडियो आप ये लगा लो दोनों के लिए वैसे तो, बट स्पेशली गर्ल्स के लिए है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जब कभी आपका अफेयर चलता है या फिर कोई भी लड़का लड़की रिलेशनशिप में है, ठीक है, तो लड़के को पता है क्या दिखता है, उसके अट्रैक्टिव पार्ट्स, कि हाउ अट्रैक्टिव सी इज, ठीक है, सीधी बात। इसको बोलते हैं हम हेलो इफेक्ट, अगर देखा जाए साइंटिफिक बात करें तो इसको हेलो इफेक्ट बोलते हैं। कभी आपने सुना है कि कोई मोटी सी लड़की है तो उससे किसी हैंडसम बच्चे लड़के को प्यार हो जाता है, हुआ भी नहीं होगा, ऐसा होता भी नहीं है, बहुत रेयर केस में होता होगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेजॉरिटी की, यानी कि मेजॉरिटी मतलब जो मेजॉरिटी है, जो ज्यादा समूह है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात हो गई ये, और लड़की को क्या दिखता है, लड़की को दिखता है होम सिक्योरिटी, वो देखती है कि हाँ भाई घर होगा, उसके साथ रहेगी, ठीक है, और उसके साथ रहेगी, बच्चे होंगे, होम की सिक्योरिटी होगी, सास ससुर होंगे, ठीक है, ऐसा। अब इंटरकास्ट में भी यही होता है, ठीक है, लेकिन अब मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूँ क्या क्या होता है, और कुछ केस के फैक्ट्स बता देता हूँ क्या क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फिर मैं आपको बाद में सॉल्यूशन भी दूंगा कि लव मैरिज करने से पहले आप क्या क्या चीज़ें देखें ताकि आपको बाद में फ्यूचर में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखो क्या होता है, पहले आप केस के फैक्ट सुनो, आपको पहले केस के फैक्ट सुनो। एक केस था, एक लड़का था, ठीक है, दिल्ली में रहता था, उसने क्या किया, एक लड़की थी, मतलब आपस में उनका 2 साल चला, तो उन्होंने क्या किया, लव मैरिज कर ली, ठीक है, लव मैरिज कर ली और वो दिल्ली में ही रहने लगे। लेकिन लड़का जो था वो पता नहीं कहाँ का था, गोवा का था, जन कहाँ का था, ठीक है। तो फिर 2-3 साल बाद वो उसको अपने घर ले गया, तो घर वालों ने साफ मना कर दिया कि भाई हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये है वो है। तो लड़के ने क्या किया, चुपचाप से उसको एक दिन घर पे छोड़ आया प्यार से, ठीक है, बिल्कुल उसको बताया भी नहीं कि ऐसा हो रहा है, उसको चुपचाप घर पे छोड़ आया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसको लेने ही नहीं आया, ना उसको कॉल अटेंड कर रहा है, ना फिर उसका कुछ कर रहा है, ठीक है। तो अब लड़की के पास सेक्शन 9 डाल रही है वो, यानी कि वो लीगल प्रोसीजर में फंस गई, ठीक है, अब कोर्ट की मतलब कोर्ट के चक्कर में वो फंस गई, ठीक है, और लव मैरिज थी ये, तो ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो सेकंड आता है इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज में भी यही होता है, ठीक है, लड़के कर लेते हैं, लड़कियां कर लेती हैं, फिर बाद में उनको दिक्कत होती है, ठीक है, ओके। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ना लड़की को एक घर चाहिए शादी के बाद, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते कि, और फिर एक एक चीज़ और देखिए आपने, पता क्या होता है, जैसे शादी हो जाती है ना, ठीक है, तो आप उसके ऊपर ना रेप केस भी नहीं कर सकते, क्यों, शादी होगी, और इंडिया में ना मैरिटल रेप अलाउड नहीं है, यानी कि पति पत्नी के बीच में आप रेप का केस नहीं कर सकते, यानी कि अगर हस्बैंड वाइफ है और पत्नी मान लो वो जबरदस्ती उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो रेप ही कहलाता है वैसे तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर वो कंप्लेन करने जाएगी तो वो एग्जिस्ट नहीं होगा, ओके, वो बोलेंगे भी आप तो पति पत्नी हो, इसमें क्या रेप, ठीक है, हालांकि वो रेप हुआ हो लेकिन वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्यों, क्योंकि इंडिया में मैरिटल रेप अलाउड ही नहीं है भाई, अलाउड ही नहीं है, ठीक है। तो आप फंस गए, ना तो आप रेप का वो कर सकते, ठीक है, ना आप वहां पे जाने की आपकी कोई सिक्योरिटी, ठीक है। सेक्शन 9 देखो इतना वो नहीं है जो हम सोचते हैं, खासकर लव मैरिज में, ओके, तो कि कोर्ट का पता नहीं कितना कितने टाइम कोर्ट में लगेगा, मतलब भगवान जाने कब जाके आपकी बारी आएगी, डेट आएगी, ठीक है, समझ रहे हो। तो नेक्स्ट आता है कि हाँ आपको लव मैरिज करने से पहले क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है उस टाइम कुछ आपको कुछ और दिखाया जाता है शादी से पहले, ठीक है, जो शादी हो जाती है उसके बाद कुछ और ही निकलता है, ठीक है। पहले ऐसे बोलते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए जाते हैं, ये इतना बड़ा घर है, ये है वो है, पता नहीं क्या, इतनी गाड़ियां हमारे घर में, ये है वो है, ये जॉब है वो जॉब है, फिर बाद में पता चलता है ये सब झूठ है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ क्या होती है। तो साइकोलॉजी कहती है एक होता है ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट, एक होता है फैक्ट। अब ट्रस्ट कहता है कि ये गाड़ी जिसमें मैं बैठा हूँ ये मेरी है, ठीक है। अब फैक्ट बोलता है ये गाड़ी मेरे फादर के नाम रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ ये गाड़ी मेरी है, ठीक है, आपने मान लिया, लेकिन जो फैक्ट है वो क्या कहता है कि ये गाड़ी मेरे
फादर साहब के नाम रजिस्टर्ड है, तो हम फैक्ट पे बिलीव करो ना कि हाँ भाई फैक्ट पे बिलीव करो, उसके कागज दिखाओ, ठीक है। अब मैं तो कुछ भी बोल दूँ कि मेरे घर BMW खड़ी है, ये खड़ी है, ठीक है, ये हो गया ट्रस्ट कि आपने मान लिया। एक होता है फैक्ट, लिया भाई कागज लिया उसके, तो फैक्ट, तो हमेशा आप ना फैक्ट पे ही बिलीव करो, ठीक है। तो काफी बार देखा होगा ऐसे लड़कियों को ऐसे बोलते हैं कि इतनी सैलरी है उसकी, ठीक है, तो लड़की मान भी लेती है शादी से पहले, ठीक है। तो देखो ऐसा आपको ट्रस्ट इतना नहीं होना चाहिए, आपको फैक्ट पे बिलीव करना चाहिए। अगर हम ट्रस्ट और फैक्ट देखा जाए ना तो हमेशा फैक्ट जीतेगा, फैक्ट, ठीक है। तो आपको शादी से पहले क्या करना चाहिए, फैक्ट पे ही डिपेंड होना चाहिए, ठीक है। ट्रस्ट टूटेगा ही, देखो आप फैक्ट पे बिलीव रखो, ठीक है। और आपको रिसर्च करनी चाहिए, ठीक है, आपको एक बार रिसर्च करनी चाहिए कि हाँ भाई सही में वो ऐसा है या वो ऐसी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा लड़कों के साथ ही होता है, ये लड़कियों के साथ भी होता है, हनी ट्रैप भी करती हैं लड़कियाँ कि भाई उनको फंसा लेते हैं, ठीक है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो आपको रिसर्च करनी चाहिए लव मैरिज से पहले, और बहुत सारी यानी कि फैक्ट्स पे बिलीव करना चाहिए, ठीक है। और सिक्योरिटी देखनी चाहिए पहले, आप देखो कि हाँ भाई होम है नहीं है, किराए पे रहेंगे, रेंट पे रहेंगे, कहाँ पे रखेगा, सब कुछ आप देखो, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या आता है, तो यही था। अगर फिर भी आपको कोई फर्दर क्वेरी हो, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लव मैरिज करने के सोच रहे हो या करने की सोच रहे हो, तो आप एक बार रिसर्च करो, ठीक है। ऐसे ही आंख बंद करके आप शादी ना कर लो प्यार प्यार में, ठीक है। आप फैक्ट्स पे बिलीव करो, देखो सब कुछ देखो, ओके, और हर चीज़ देखो आप, ठीक है, क्योंकि बाद में फ्रॉड हो जाए फिर केस करते डोलते हो, फिर उससे अच्छा कि आप एक बार प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। तो पहले ही आप एक्शन ले लो, ठीक है, तो बाद में एक्शन लेने से अच्छा है, आपकी ज़िंदगी ख़राब होती है बॉय हो या गर्ल, स्पेशली गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो देखो आपकी बॉडी भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है, यानी कि बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप अपना जो अपना टाइम है, बॉडी है, मनी है, ऐसे वेस्ट ना करो, ठीक है, अपने आप की इम्पोर्टेंस समझो, तो किसी के साथ ऐसा, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव एनी फर्दर डाउट रिगार्डिंग दिस वीडियो, यू कैन सेंड मी क्वेरी ऑन माई इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम गरीब अखबार।